बस फनकार हूँ और फनकारी कर रहा हूँ और बस वही कोशिश है। लखनऊ में पला बढ़ा ये भी बता दूँ, तो उम्मीद है कि जो भी अभी तक करता आया हूँ वो ऐसे शहरों में करता आया हूँ जो कि इतने शायद उर्दू के, अब ये तो मैं जजमेंट नहीं पास कर रहा हूँ, लेकिन जो लखनऊ में बात है उर्दू की वो शायद कहीं और नहीं है, है ना। तो ये मेरा टेस्ट भी है और एक्साइटमेंट भी। आर्टिस्टिक प्रोसेस यही होता है ना कि उसमें थोड़ा सा डर भी लगा रहता है और मज़ा भी आता है, इसीलिए आर्टिस्ट आर्ट करता है। तो भाई बात उर्दू की है तो छोटा सा शेर कहा है मैंने, वो कुछ यूँ है कि ना तो हिंदू ना मसीही ना मुसलमान आते हैं, ना तो हिंदू ना मसीही ना मुसलमान आते हैं, बात उर्दू की हो तो अहले हिंदुस्तान आते हैं। तो जिस तरह की तालियां बजी और जो ऊ ऊ आई आवाज़, जाहिर सी बात है हर नस्ल की अपनी एक जुबान होती है, लेकिन गुजारिश ये है कि जब, और मेरे ख्याल से लखनऊ में ये बात कहने की ज़रूरत भी नहीं, लेकिन गुजारिश इतनी सी है कि अगर कोई बात आपको प्यारी लगे अच्छी लगे तो बेहतरीन मोनोसिलेबल वर्ड है कहने की ज़रूरत ही नहीं। और जब मैं आपसे कोई इजाज़त मांगूं तो दो सिलेबल का एक वर्ड है, इरशाद। तो भाई बहुत बहुत खैर मकदम है आप सभी का। आपसे हुजूर गुजारिश ये है, हाय, कि जब तमहीद ख़त्म हो जाए, बहुत शुक्रिया आपका कि आप यहाँ आए, और जब तमहीद ख़त्म हो जाए तो कोशिश करिएगा कि आप लोगों को, ये जो फ्लैश चमक रहा है शायद थोड़ी सी डिस्टर्बेंस हो, तो आप भी सामयिन बन जाएं। बहरहाल, और एक बात ये कि आज बात तिलिस्म की है, तिलिस्म में होश रुबा, यहाँ पे होश रुबा में शोरबे का कोई जिक्र नहीं है, वो आपको अकबरी गेट में मिल जाएगा। तो ये तिलिस्म की बात है और तिलिस्म है एक जादुई दुनिया। आप यकीन नहीं मानेंगे, आपके सबके हाथों में एक तिलिस्म है जिसमें हम सब सुबह दोपहर शाम हंसते जागते सोते फंसे हुए हैं। कोशिश करिए कि अगला एक घंटा सवा घंटा, अब पता नहीं कुछ कुछ एक एक बार जब फनकार फनकारी करना शुरू करता है तो पता नहीं कब तक चालू रहे, जितना भी रहे, तब तक के लिए कोशिश करिए कि इस तिलिस्म से आप बच जाएं। तो आपके पास जो छोटे छोटे तिलिस्म है ना एंड्रॉयड वगैरह के नाम से, उसको साइलेंट पे कर लीजिए। उम्मीद है कि आपको और आपके जो सामईन साथ में बैठे हैं उनको किसी भी तरह का डिस्टरबेंस नहीं होगा। बहरहाल, बहुत बहुत खैर मकदम है आपका दास्तान गोई की इस महफिल में। वेलकम टू दिस गैदरिंग ऑफ दास्तान गोई। दास्तान गोई एक ऐसा फन है, एक ऐसी आर्ट है जिसमें दास्तानें जुबानी सुनाई जाती। अब दास्तानें सुनाने का रिवाज तो उतना पुराना है जितना पुराना खुद इंसान। इंसान ने बोलना बाद में सीखा, दास्तानें सुनाना पहले सीख लिया। बहुत सी दास्तानें बहुत तरफ हर खित्ते में हर मुल्क में सुनाई गई हैं, लेकिन जो ये दास्तान गोई जो आप देख रहे हैं, फारस और अरब के ममालिक में कब शुरू हुई एग्जैक्टली, इस बात का भी कोई पूरा पूरा ठीक ठीक एग्जैक्ट पीरियड नहीं बता सकता, लेकिन यूं समझ लीजिए कि जब हिंदुस्तान में ये दास्तानें आईं, खासकर दास्तानें अमीर हमजा, तो सिर्फ एक जिल्द में थी, एक वॉल्यूम में थी। अमीर हमजा एक रियल फिगर है, प्रॉफेट हुजूर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा लगते थे, लेकिन ये जो दास्तानें हैं ये रियल नहीं, ये हिंदुस्तान के दास्तान गोयों ने वो उस एक जिल्द की दास्तानों को अपने फन से, अपने बयान से,
इतना फैलाया कि वो फैलते फैलते 1 से 46 जिल्द में जा फैली, 46 वॉल्यूम्स। और हिंदुस्तान के एज पर शमसुर रहमान फारूकी साहब मरहूम, अजीम तरीन अदबी कारनामों में से एक हैं दुनिया भर की। सोचिए 5,000 करोड़ कुछ अल्फाज इसमें पिन्हा हैं इन दास्तानों में। तो बहरहाल दास्तानें शुरू करते हैं। दास्तान जो आज की है वो है दास्तान अमर अय्यार और मेहताब जादू की। और इस दास्तान में क्या होता है कि अमीर हमज़ा की जो दास्तानें हैं इसमें एक तरफ अमीर हमज़ा और उनके दोस्त हैं अमर अय्यार, और बाकी अमर अय्यार के साथ उनके और अय्यार दोस्त हैं। अय्यार कोई नहीं है, बेसिकली अय्यार वो हैं जो अलग अलग रंग रूप बदल के जो अफरासियाब जो विलेन है उसके जो जादूगर हैं उससे इनकी मुठभेड़ें होती रहती हैं, और हर मुठभेड़ एक एपिसोड बन जाता है, एक दास्तान, जैसे कि आज की दास्तान। तो हाजरीन, जो जानता है वो तो जानता ही है, जो नहीं जानता वो जान ले कि तिलिस्म है एक जादुई दुनिया, और तिलिस्मों का तिलिस्म है तिलिस्म होश रुबा, कि जिसका बादशाह और मालिक है अफरासियाब, कि जिसकी अमलदारी में 60,000 मुल्क जादूगर और जादूगरनियों के आबाद हैं, कि बादशाह इन मुल्कों के सब अफरासियाब के मुती व मिनकाद हैं। और तिलिस्म होशरुबा के 3 हिस्से व मुकाम हैं। पहला हिस्सा तिलिस्म होशरुबा का है पर्दाए जुल्मात, यानी कि अंधेरे का पर्दा, कि जिसके पीछे बुजुर्ग अफरासियाब के बड़े बड़े जादूगर, हर वक्त जादूगरों के खुदा जमशेद और सामरी की इबादत और तपस्या में मसरूफ मशगूल रहते हैं और नए नए जादू इनाम में पाते हैं। दूसरा हिस्सा तिलिस्म होशरुबा का है तिलिस्म बातिन, के जहां बड़े बड़े अफसर सिपह सालार और सरदार रहते हैं। तीसरा हिस्सा तिलिस्म होशरुबा का है तिलिस्म जाहिर, ये वो जगह है जहां सारे जादू होते हैं, सारा शहर होता है। कहीं पे देखिए तो कोई ऐसा कमरा है कि जो सूखा जाए वो गीला हो जाए, एकदम नाटा जाए तो लंबा हो जाए, गोरा जाए तो काला हो जाए, वगैरह कुछ भी हो सकता है, आप यकीन नहीं मानेंगे। एक जगह तो ऐसे ऐसे तिलिस्म हैं, ऐसा तिलिस्म की इमारत है कि जहां कोई जाए पंजाबी, गुजराती, बंगाली, मराठी, अंग्रेज फराफर वहां पहुंचते ही अंग्रेजी बोलने लगता है, आप यकीन नहीं मानेंगे। लेकिन शहर लखनऊ, दिल्ली, बेंगलोर, पुणे वगैरह में ऐसे तिलिस्म आज भी मौजूद हैं, और हम और आप इसे TCS, विप्रो, इंफोसिस के नाम से जानते हैं। इसी तिलिस्म जाहिर में सारे जादू होते हैं और यही सारी मुठभेड़े होती हैं। तो हाजरीन, दास्तान शुरू करने से पहले जो रवायत है वो है साकी नामा सुनाने की। तो आपकी इजाजत है कि सुनाऊं? तो नाजों के उठाने वाले साकी, रिंदों के छकाने वाले साकी, आबाद तुझी से अंजुमन है, आराइशे महफिले सुखन है, फिर रिंद हुए हैं तेरे बेताब, एक और दे जामे बादए ना, वो जाम जो रश के जामे जम हो, वो मैं के न जिसका नशा कम हो, वो नशा जो दिखाए नए रंग, तकरीर में हो तिलिस्म का ढंग, वो आज पिला दे जाम साकी, जिसमें के हो तेरा नाम साकी, अकली में सुखन को मैं करूं सर, मद्दाह रहे मेरे सुखनवर, जीनत दी है बागे कामरानी, ऐजा बने मेरी कहानी, मुश्ताक हैं अहले बज्म ऐजा, सब देख रहे हैं देर से राह, आगाज़े बयां करो यहां से, रौनक दो सुखन को दास्तां से। तो हुजूर, सुखन साजाने मानिए दिलफरेब इस तरह इरशाद फरमाते हैं कि जब अय्यार बेनज़ीर वाला तदबीर, हुनर परवर ख्वाजा अमर और बाकी अय्यार अलग अलग तिलिस्म की जानिब चले जाते थे, बराह मुख्तलिफ सहरा को तय करते हुए तिलिस्म की सरहद में आए, लेकिन एक दूसरे के हाल से बाखबर रहे। कहीं सहराए सरसब्ज देखा, ग्रीन वैलीज, कहीं दरियाए जखार, कांटों के दरिया मौजजन पाए, कहीं पहाड़ों की दांग, तिलिस्म पर किए नए नए स्वांग, हर तरफ चौकियां जादूगरों की बैठी,
साहिर सहर करके आग बरसाते, पत्थर बरसाते, अलगरज ये सारा माजरा देखते देखते सारे अय्यार चले जाते हैं कि एक मकाम पर आकर जो अमर पहुंचा तो सहराए अजीब वहां का देखा, क्या देखता है कि दूर दूर तक कोसों तक पूरा जंगल चांदी का है, पेड़ पौधे फूल कलियां सब के सब चांदी के। अब अमर अय्यार है लालची, इसने अपने दिल से कहा कि हाय काश मैं इस पूरे जंगल को अपनी जंबील में रख लेता। जंबील वो छोटी सी पोटली है कि जिसका मुंह जिस चीज़ की तरफ खोल दिया जाए वो उसमें पूरी की पूरी समा जाए, वो चाहे चींटी जितनी छोटी क्यों ना हो या इमारत जितनी बड़ी क्यों ना हो। इस जंबील में वो ना जाने कितने जादूगर और ना जाने कितने हीरे जवाहरात लिए फिरता है। अब इसी फिक्र में उसने सोचा कि हाय क्या करूँ, कुछ बस नहीं। लेकिन उसके ख्याल आया कि जहाँ तक हो सके यहाँ की घास काट लो, है तो चांदी ही। बस हसिया निकाली जंबील से और इधर उधर देखता हुआ घास काटने लगा। अभी थोड़ी सी ही घास कटी थी कि एकदम से सदा आई, बाश आए तुझे मक्का, मैं तेरी ही तलाश में था। अब जो उसने नाचार निगाह उठाई तो क्या देखता है कि एक साहिर जलील उल कद्र लंबा तड़ंगा साहिर चला आता है पुकारता हुआ, पूरे बाल सर पे मुकेश के, पूरा बदन चांदी का, काले भुजंगे सांप सार से सर से लपटे हुए पुकारता चला आता है। अब इसने कोशिश किया कि फौरन भाग जाए, लेकिन उस साहिर ने एक ऐसा सहर पड़कर फूका कि उसके पैर जमीन पर चिमट गए, आगे न बढ़ सका। वो साहिर करीब आया और कहने लगा, तेरा इनाम अमर है, अफरासियाब को फिक्र तेरी बेशतर है, मैंने तेरी ही गिरफ्तारी को यह पूरा जंगल बजोर शहर चांदी का बनाया था, अब तुझे पाया, तेरा सर कलम कर अफरासियाब के पास ले जाऊंगा, इनाम पाऊंगा। अमर ने कहा, बाऊ जी अमर कौन, हम नहीं जाने थे, हमार तो मेहरारू छोट छोट बच्चा हमारे घर पे हमार रात देखा तो हमने मुझसे मकारी करता है, अफरासियाब पहले ही तेरी खबर मुझे दे चुका है। इधर ये बातें होती थी, उधर एक बलंदी पर से एक दूसरा यार है, उसका नाम है माहितर किरण, उसने ये सारा माजरा देखा और एक अय्यारी सोचकर रवाना हुआ। इधर ये साहिर के नाम है इसका मुकर्रर निज जादू, अन करीब अमर को कत्ल किया चाहता था कि एक सिमत से सदा आई, अमा हुजूर ठहरिए जरा। अब ये रुक गया, देखा तो एक बूढ़ा सा साहिर है, धीरे धीरे चलता हुआ चला आ रहा है, असबाब शहर का लिए हुए है, मुंदरे पहने हैं, अंगूठियां पहने हैं। वो करीब आया और कहने लगा, हुजूर देखिए जब तक इस कमबख्त चोर से मेरा माल कबूल ना करवा लीजिएगा तब तक इसे कत्ल ना फरमाइएगा, ये कमबख्त मेरे घर में कल रात घुसा और कपड़ा लगता पैसा जेवर सब कुछ चुरा कर ले गया, ये तो कहिए कि मोती मेरी जेब में रखा हुआ था इसकी जोड़ी का भी चुरा कर ले गया, ये देखिए अंडे के बराबर का मोती। उसको दिखाया, मुकर्रर ने इसको देखता ही एकदम फरिश्ता हो गया, कहने लगा, अरे भाई ये कहाँ से लिया, जरा दिखाओ तो। कहने लगा, अम्मा ये तो कुछ भी नहीं है, जरा इसको अपने मुंह की भाप देकर देखिए, इसकी चमक और आफ्ताब ही अलग होती है। मुकर्रर ने इसने वो मोती अपने दहन के करीब लाकर उसे मुंह की भाप दी, जैसे ही भाप लगी उस मोती पर जैसे फुलझड़ी फूटती है उस तरह से वो फूटा और उससे जो धुआं निकला वो मुकर्रर निस की नाक और मुंह के रास्ते जहन में दिमाग में गया और वो वहीं चक्कर खाकर गिर पड़ा। वो जो साहिर के भेस में आया था माहितर किरां, उसने एक नारा बुलंद किया, सरी उस सैर चू बादे बहारी, जहां सर हंग चू खंजर गुजारी, बमैदान अजदर आतिश पिशानम, मानम माहितर किरां शेरे जियानम। ये नारा बुलंद करके एक बुगदा मारा कि मुकर्रर निस का सर फट गया, वो जंगल चांदी का सारा मिट गया और एक हंगामा हौलनाक सामने नजर आया। जैसे ही कोई जादूगर मरता है फौरन उसका जादू भी खत्म हो जाता है। अमर ने रिहाई पाई, किरां को गले से लगाया तो किरां ने उससे सवाल किया, उस्ताद बताइए क्या करना है, अब क्या कसद है, क्या का किधर जाना है। अमर ने कहा, बेटा हिस्सा है, पहले तो ये कि जब सीन हो जाए तो करेक्टर से बाहर आ जाया करो। लेकिन ठीक है, तो गया, अरे उस्ताद क्या करें, वो आपका सिखाया हुआ ही ऐसा है और आपकी मोहब्बत में तो मतलब मैं तो बह जाता हूँ, क्या कहूँ।
बताइए करना क्या है उस्ताद? अमर ने कहा बेटा ऐसा है, अलग अलग चलना सलाह है, तुम अपनी राह लो मैं अपनी राह लेता हूँ। कह रहा जुस्त खैज करता हुआ एक तरफ चला और अमर दूसरी तरफ रवाना हुआ। इधर तो ये हुआ, उधर खबर मर गए मुकर्रर निस जादू, मुकर्रर निस जादू के मरने की खबर शहर के तायरों ने अफरासियाब को जा कही। अफरासियाब ने फिल फौर एक दस्तक दी, एक पुतला फौलाद का जमीन से बरामद हुआ। अमर ने फौरन उसको एक नामा दिया लिखकर कि ये मेरा नामा ले जाकर महताब जादू को बयाबान रक्षा में दे आओ। पुतला नामा देकर चला और महताब जादू के पास आए। पुतले ने नामा दिया और महताब जादू ने उसको पढ़ना शुरू किया। अरे महताब जादू, अमर और चार अय्यार मुकर्रर ने इसको मार कर तुम्हारे जंगल की सरहद में आए हैं, उन्हें गिरफ्तार कर लेना, खबरदार गाफिल ना होना। पुतला नामा देकर चला गया। इधर महताब ने बीच अंधेरे जंगल एक मकान बजोर शहर संग मरमर का बनाया। कोई सामान राहत ऐसा ना था जो उसने वहां मुहैया ना कराया। संग मरमर क्या दूध जैसे पत्थर बिछाए, मलमल के कालीन, मसनद बेहतरीन खुशबूदार सुर्ख, दीवार पर इस तरह की तस्वीरें कि देखने वाला कहे कि क्या ये असली है या पेंटिंग समझ में ना आए। झाड़ फानूस इस तरह से लगाए, रोशनदान इस तरह से लगाए कि इतनी रोशनी पूरा नूरानी हो गया पूरा घर। और एक चांद कागज का काट कर उसको दीवार पर चिपका दिया और एक ऐसा शहर पढ़कर फूंका कि वो चांद माहे फलक की तरह रोशन हो गया। ये सारा एहतमाम करके महताब जादू व इत्मीनान तमाम बैठा ही था कि इसको ख्याल आया कि ये कम्बख्त जो अय्यार आते हैं अलग अलग शक्लें बना के आते हैं, कम्बख्त पहचाने नहीं जाते, इससे अच्छा कोई ऐसी तदबीर करूं कि जो आए उसकी असली पहचान पता चल जाए। बस फौरन उसने छोटी छोटी चिड़ियां कतरी कागज की और उस पर ऐसा शहर पढ़कर फूका कि सब जिंदा होकर उड़ी और कमरे के कार्निस पर जाकर बैठ गई। खासियत उनमें ये रखी कि जैसे ही अय्यार या कोई गैर शख्स कोई नया शख्स आए, एक चिड़िया कार्निस से गिरे, आने वाले की असली पहचान बताए और गिर के जल जाए। ये एहतमाम करके महताब जादू ने कुछ शायरों को बाहर पहरे पे बिठाया, कढ़ाव चढ़े, पकवान पकने लगे और वो खुद बैठकर मैनोशी करने लगा। मैनोशी तो पता ही होगी, ड्रिंकिंग वो करने लगा। इधर अमर अय्यार जब चारों तरफ से होता हुआ आया तो क्या देखता है कि बीच जंगल में अंधेरा जंगल पड़ा है और बीच में इतना सुसज्जित मकान। ये समझ में आ गया क्या चल रहा है यहाँ पे, बाहर जो है सारे अय्यार कढ़ाव चढ़े हुए हैं, अय्याशी चल रही है। इसने अपने दिल से कहा कि चल के इन सब को हलाक कर, इस सहरा को इनके जज्द नापाक से पाक कर। बस फौरन अपनी सूरत जो है एक साहिर जैसी बनाई और उस तरफ रवाना हुआ। अब वो लोग जो गा बजा रहे थे, जब उनका गाना बजाना ख़त्म हुआ तो उसने कहा कि भाई वाह 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 वाह, क्या गाया है आपने, बेहतरीन गाया है, मैं तो कहता हूँ कि ये कोई नज़ीर नहीं है आपकी आवाज़ की, आपके कलाम की। अब ये नया आने वाला इतना बोल रहा है तो गाने वाले ने कहा कि भाई तुम कौन हो, कहाँ से आए हो, क्या तारीफ़ रखते हो? तो इसने जी मेरा नाम नैनवाज जादू है, मैं कोहे खिलमाक का रहने वाला हूँ। तो इन्होंने कहा कि अच्छा कोहे खिलमाक, वहाँ के लोग तो बड़ी अच्छी कव्वाली सुनाते हैं। अरे जी हाँ सुनाते हैं, बहुत अच्छी कव्वाली सुनाते हैं। वो क्या था कि मैं इधर से गुजर रहा था और मेरे साथी संगी थे वो आगे जा रहे थे, मुझे ज़रा बैतुल खला की हाजत हुई तो मैं ज़रा चला गया झाड़ियों में और जब तक वापस आया, अब क्या है कि आजकल बड़ी मुश्किल से तो खीरा वगैरह नसीब होता है तो वक्त लग गया वहाँ बैतुल खला में, लिहाजा वो मुझे छोड़कर चले गए जब तक मैं वापस आता। अब मैंने देखा कि यहाँ पे मकान बना हुआ है, यहाँ पे गाना बजाना हो रहा है, तो भाई फ़नकार को और क्या चाहिए, फ़न तो मैं फ़न करने आ गया, लिहाजा अब बताइए क्या करूँ।
कहने लगे कि भाई वहाँ के लोग इतना बढ़िया कव्वाली सुनाते हैं, तुम्हें कुछ तो सुनाना पड़ेगा। कहने लगा जी मैं क्या करूँ कि आज ज़रा सुबह से खराश भी है और ये है मसला कि अब कोई गाने बजाने वाले नहीं हैं, तो अगर आप लोग मेरा साथ दें तो मैं बिल्कुल, और मुझे जज ना करें क्योंकि मैं गाता तो नहीं हूँ आमतौर पर, अभी सीख रहा हूँ, लिहाजा अगर मैं आपसे ये कहूँ कि आप मेरे साथ दें तो मैं इंशाल्लाह गाऊँगा, बिल्कुल उस्ताद जमशेद सामरी की कृपा रहेगी तो बिल्कुल गाऊँगा, बताइए गाया जाए कि नहीं, बताइए। तो उस्ताद यूसुफ आज़ाद जादू कव्वाल की एक बेहतरीन क्लासिक कव्वाली आप सबकी नज़र कर रहा हूँ, क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि चांद चमक रहा है इस दरवाजे पर, यूँ लग रहा है कि आसमान का चांद है, बल्कि मैं तो कहता हूँ कि वो उसके ऊपर भी मांद है, आसमान का चांद इसके आगे मांद है मैं कहता हूँ, और मैं देख रहा हूँ कि लकड़ी जल रही है। तो उस्ताद यूसुफ आज़ाद जादू कव्वाल की क्लासिक कव्वाली आपकी नजर करता हूं। सोच तू पगले सर तेरे एहसान है कितना लकड़ी का, सोच तू पगले सर तेरे एहसान है कितना लकड़ी का, अरे चांद को छूने वाले इंसान देख तमाशा लकड़ी का, चांद को छूने वाले इंसान देख तमाशा लकड़ी का, अरे जगत में कोख से जब माँ की तूने जन्म लिया तो सबसे कबल इसी लकड़ी ने तेरा साथ दिया, ज़ईफ दाई ने संसार के हयूले में सुला दिया तुझे लकड़ी के एक झूले में, छूटा जो झूला तो लकड़ी की चार पाई मिली, बनी जो लकड़ी के छिलकों से वो चटाई मिली, उम्र में 5 की जब आई मदरसे की घड़ी तो गुरु के हाथ की लकड़ी से पहले आंख लड़ी, नशिस्त लकड़ी की कुर्सी भी तेरी लकड़ी की, कलम भी लकड़ी का तख्ती भी तेरी लकड़ी की, हुआ जो 12 वर्ष का तो और खुली किस्मत, जो आई और तेरे हाथ पाँव में ताकत, निकल के घर से गुलिस्तान में जिस घड़ी पहुंचा, उछलता कूदता मैदान में जिस घड़ी पहुंचा, तो अपनी खातिर खुद ही बनाया अरे गिल्ली डंडा लकड़ी का, चांद को छूने वाले इंसान देख तमाशा लकड़ी का, चांद को छूने वाले इंसान देख तमाशा लकड़ी का, चांद को छूने वाले इंसान देख तमाशा लकड़ी का। अरे बचपन बीता आई जवानी नाम न भूला लकड़ी का, छूट गए सब संगी साथी साथ न छूटा लकड़ी का, कमा कमा कर जब बनवाया बनवाया घर लकड़ी का, लकड़ी के खंभे दरवाजे छत लकड़ी दर लकड़ी का, ब्याह की बारी आई तो सर पे तोरण बांधा लकड़ी का, जिसमें तेरी बारात चली वो रेल का डब्बा लकड़ी का, फेरे जिसके गिर्द लगाए वो अग्नि भी लकड़ी की, जिसमें तेरी दुल्हन आई वो लकड़ी वो है। अरे वाह क्या देखिए इसी 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 सपोर्ट की और इसी इसी सलाह की जो है ज़रूरत थी आपके सामने से, जमशेद सामरी का बहुत बहुत शुक्रिया कि किस तरह की मुझे सामयन मिले हैं। तो वो डोली भी लकड़ी की, अरे गई जवानी रूठ के जालिम कुछ इतनी मगरूर हुई, लकड़ी लेकिन प्रेम की मारी एक पल भी ना दूर हुई, 60 बरस में कमर झुकी तो हाथ में डंडा, चांद को छूने वाले इंसान देख तमाशा लकड़ी का, चांद को छूने वाले इंसान देख तमाशा लकड़ी का, चांद को छूने वाले इंसान देख तमाशा लकड़ी का। अब जो ये इतना हंगामा हुआ तो अंदर से मेहताब जादू ने थोड़ी सी मुंडी निकाली दरवाजे से और कहने लगा सारे मजे तमाशे तुम लोग बाहरी कर लो, हम अंदर बैठे अकेले बोरियत में मर जाएं, भेजो उसको अंदर। अमर अय्यार को लोग अंदर लेकर आए, जैसे ही अमर अय्यार ने अंदर कदम रखा एक चिड़िया गिरी बोली ये तो अमर अय्यार है, और गिर के जल गई। अमर ने जब ये माजरा देखा
तो वो जंबील से निकाली गिलीम और ओढ़ ली और गायब हो गया। गिलीम वो जादुई चादर है जिसका ओढ़ने वाला दुनिया की नज़रों से गायब हो जाता है, लेकिन वो दुनिया को देख सकता है। अब यहाँ मैं आपको बता दूँ कि ये दास्तान कम से कम 200 साल पुरानी है। जेके राउलिंग क्या उनके बाप भी पैदा नहीं हुए? वो गायब हो गया और फिर इसी अंदर चादर गिलीम के अंदर से उसने सारा मामला यहाँ का देखा और देख के वो चला गया एक बुलंदी पर। वहां उसने बजाई जफीले अय्यारी। जफीले अय्यारी वो सीटी है कि जिसकी सदा सिर्फ और सिर्फ अय्यार सुन सकते हैं। जफील की सदा सुनकर एक दूसरा अय्यार है, उसका नाम है बर्क फिरंगी। उसने अपने आप को अमर अय्यार के पास पहुंचाया और पूछा, उस्ताद खैरियत क्या हुआ? अमर ने कहा, देखो बेटा, वो जो सामने मकान है वहां पे शहर है चिड़ियों का और वो आने वाले की असली पहचान बता देता है। तो तुम एक काम करो, तुम मेरे जैसी अपनी शक्ल बनाओ और वहां जाओ। जब गिरफ्तार हो जाओगे तो मैं आऊंगा, अय्यारी करूंगा और तुम्हें छुड़ा लूंगा। बस फौरन बर्फ फिरंगी ने अपनी शक्ल जो है, शक्लो सूरत रंग रूप सब कुछ अमर अय्यार जैसा बनाया और उधर गया। वहां वो सब तो तय किए बैठे थे कि अब तो जो भी आएगा, कुछ गाना वाना कुछ नहीं, फौरन उसको पकड़ लेंगे। और जैसे ही बर्क फिरंगी जो अमर अय्यार बना हुआ आया था वो वहां पहुंचा, फौरन उसको धर दबोचा और जो हाय तौबा मची उसकी वजह से, तो अमर मेहताब जादू ने फिर से अपनी मुंडी निकाली दरवाजे के बाद। अरे किसको पकड़ा? साहब हम तो जानते हैं अमर अय्यार है, अब आप ही पता लगाइए। ठीक है भैया, अंदर। जैसे ही वो अंदर पहुंचा, पहला कदम अंदर रखा, एक चिड़िया गिरी, चिल्लाई, ये तो बर्क अय्यार है। अब इसके दिमाग में आया कि अमर को तो मैं बंधवा चुका हूं, अमर तो चला गया एक बार आके, अब ये कौन है? ने कहा, ए तेरा नाम बर्क है? इसने कहा, देखिए ऐसा है, मेरा नाम अमर अय्यार है, बर्क नहीं। ने कहा, मेरी चिड़िया झूठी है। जी नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, लेकिन अब जो मैं आइए अमर हूँ तो अमर हूँ, अब आपको समझ में नहीं आ रहा है तो मैं क्या करूँ, जाइए मत मानिए हमें क्या। इसने कहा, अमर तो लखनऊ का नहीं था, ये तुम्हारी जुबान तो बड़ी लखनऊ हुआ है। अच्छा, अब भैया हमें ही बताएंगे कि हमारा खानदान कहाँ से? हमारी अम्मा यही चौपटियों की रहने वाली थी नानी, और वहाँ चली गई थी वहाँ पे, अब हम ही बताएंगे। चलिए ठीक, मत मानिए, आप जाइए। आप ये बताइए, अमर के नाम से अगर मैं बचता होता तो जाहिर सी बात अपने आप को बचा लेता ना, कि वरना और अपने आप को फंसाता। उसने कहा, हाँ बात तो सही है, लेकिन एक तस्दीक और कर लूँ, अमर की तस्वीर अफरासियाब ने भेजी थी, लाओ इससे ज़रा इसकी शक्ल मिला लूँ। संदूकची से निकाली अमर अय्यार की तस्वीर और ज़रा से देखी, ज़रा सा भी फ़र्क ना पाया, बिल्कुल इत्मीनान हो गया कि यही अमर अय्यार है, पकड़ में आ गया है, चुपचाप बंधवा दो, बंधवा दिया। और इसके बाद फिर से बड़े आराम से करने लगा मैं नोशी। अब हाल अमर का सुनिए, जब ये सारा माजरा देख लिया उन्होंने बर्क के गिरफ्तार होने का, तो फिर अपनी शक्ल सूरत और रंग रूप अमर अय्यार ने एक ऐसी हसीना जमीला की बनाई कि जिसके जमाल जहां आरा को देखकर हिजाब व निदामत से बद्र कामिल भी घट कर हिलाल हो जाए। अजी मैंने कहा कुछ समझ में आया, लेट मी ट्रांसलेट। अमर टुक द फॉर्म एंड ब्यूटी ऑफ सच एन एक्सक्यूसिव ब्यूटिफुल वुमन हुज एक्सट्रीम ब्यूटी शेम द फुल मून इनटू बिकमिंग अ क्रेसेंट। आप फिर से सुन लीजिए। अमर ने अपने रंग और रूप और शक्ल सूरत को एक ऐसी हसीना जमीला की बनाई कि जिसके जमाल जहां आरा को देखकर हिजाब और निदामत से बद्र कामिल भी घट कर हिलाल हो जाए। सरासर सरासर शोलए नूर कुदरत खुदा का जहूर, हूर परी कहना खता हुस्न ऐसा न किसी ने देखा न सुना। अब सुनिए वो बात जो कि आपको उर्दू में क्या हर जगह भर भर के मिलेगी कि जब औरत के हुस्न को बड़ी डिटेल में मर्द लोग लिखते हैं,
लेकिन यहाँ पे इसका वर्णन है सरापा, सर से लेकर पैर तक का हाल, सरापा। संस्कृत में शायद इसको नखशिख वर्णन कहते हैं, पैर के नाखून से शिखर तक का वर्णन। पेशानी चौदवी का चांद थी, बल्कि चांद की चांदनी भी इसके आगे मान थी। चश्म गजाली सुरमागी, दो चश्म दो आंखें जैसे दो जादू की पोटलियां, या दो हिरन या दो खल्क के भेजे हुए, खालिक के भेजे हुए दो शिकारी। लबे लाली दुर्जय याकूत, और उन लबों के अंदर जो दंदान दंदान सिल्क कोहर, तेरे दंदान मतलब दांत दए, तेरे दंदान ने लब ने कर दिया बेकदर आलम में गोहर को, लाल को, याकूत को, हीरे को, मर्जा। बाजू सरापा नाजो अदा, कलाई आय हाय हाय कलाई, ऐसी कलाई के जिसके देखने से आशिकों को कल आई। जब आस्तीन से बाहर आई तो गोया शमा फानूस से बाहर निकल आई। और आपको क्या बताया जाए कि नाफ आय हाय हाय नाफ द बेली बटन है नूर का दरिया शिकम साफ नहीं है, गिरदाब यमे हुस्न में है नाफ नहीं है। अगेन लेट मी एक्सप्लेन, गिरदाब वर्लपूल, यमे हुस्न द रिवर ऑफ ब्यूटी, है नूर का दरिया शिकमे साफ नहीं है, गिरदाब यमे हुस्न में है नाफ नहीं है। और आगे साके पा का वो नूरानी आलम की बेदिल जिसकी याद में सर बजानू है, लाख कोशिश करें उसको ना पाएं कि ले सर सिता बनाफ तो था नूर का बदन, राने बनाई गूंद के मैदा चांदनी में। इस हुस्न जमाल के साथ सुर्ख लिबास पहन के सोने चांदी के जेवर अपने तन पे मुजयलो मुजल्ला किए हुए, अपने आप को अमर ने इस तरह से सजाया और फिर बगल से अपने कपड़े फाड़ लिए, बाल को यूं बिखराया अपने चेहरों पे जैसे काले बादल चांद के सामने आ गए। इस हाल के साथ वो चला उस तरफ जहां पे कि महताब जादू जंगल का नजारा कर रहा था, और ऐसे ही नहीं चला, रोता पीटता चला। हाँ दिलाकर नजर बदी दए गौर, देख दुनियाए बेसबात का तौर, भूल मत देख देख आराइश, नहीं दुनिया मकाम आसाइश, कोई बज़्मे तरब कबानी है, कहीं मातम है नौहखानी है कहीं शादिये हिना बंदान, और कहीं शोर मर्ग फर्जंदान। और जोर से चिल्लाया कि ऐ पालने वाले, मैंने तेरी क्या खता की थी, ऐसी क्या मैंने आपका बिगाड़ा था कि जिसके बदले और पादाश में तूने मुझे ये सजा दी है कि जो गुल न खिलने पाए थे फूल उनके हो गए, मसनत से दूल्हा उठते ही तकिए में सो गए। अब आपको कुछ समझ में नहीं आएगा यहाँ पे, अब मुझे ये उर्दू के गुलबूटे खोलने पड़ेंगे आपके लिए। जो गुल ना खिलने पाए थे फूल उनके हो गए, फूल के दो वर्ब दो फॉर्म्स हैं, नाउन मतलब फूल, फूल तो फूल फ्लावर, और फूल हो जाना यानी जिंदा का मुर्दा हो जाना। और तकिया एक तो ये रखा हुआ आएगा, और वो तकिया जो फलाने मियाँ का तकिया मोहल्ले में होता है ना, मोहल्ला की वहाँ पे कब्र है, तकिया मतलब कब्र। जो गुल ना खिलने पाए थे फूल उनके हो गए, मसनत से दूल्हा उठते ही तकिए में सो गए। अब जब महताब जादू ने ये हाय तमाशा रोना धोना सुना तो क्या देखता है कि एक शबे उरू से अव्वल है, एक ढलता हुआ सूरज है जो बिल्कुल अपने जमाल और रंग और रूप के शबाब पर है, और बिल्कुल रो रही है और बिल्कुल परेशान है। उसने फौरन अपने खादिमों को भेजा, अरे जाओ उसको मेरे पास लेकर आओ। आए उसके खादिम दौड़े दौड़े, लेकिन उनको देखकर वो दूसरी तरफ भागी। वो उसको हजार, अरे हमारे मालिक तुम्हें बुला रहे हैं, बड़े मोहब्बत से बुला रहे हैं, चलो तो। लेकिन वो बिल्कुल हार ना आई, थक हार के इसके खादिम वापस आए
और सारा हाल बयान किया। ये एक बिल्कुल फरेफ्ता हो चुका था, खुद उठ के उसके पास आया और जो उसको देखा तो क्या देखता है, जैसे ही उसका हाथ पकड़ा, उसने अपनी गर्दन घुमाई तो शुआए तनवीर हुस्न से इसकी नज़र के सामने अंधेरा छाने लगा। यूं लगा कि पूरे जिस्म की ताकत ख़त्म हो रही है और आंखों के सामने अंधेरा छा रहा है। अन करीब ये बेहोश हो जाने वाला था कि अपने आप को संभाला और कहने लगा, ए मलिका, ए परी, ओ परीजाद, तू कहाँ से आई, इस तरह क्यों जारो नजार है, क्या तुझे आजार है, क्या तकलीफ है, तू मुझे बयान कर। अब जो उसने ये सुना तो और फूट फूट के रोने लगी। बड़ी उसने मिन्नतें की तो बताती है कि मैं क्या अपना हाल इजार बयान करूं, हम जिसका दीदार करना चाहते हैं शायद अब उनकी सूरत मुल्क अदम में जाकर देखेंगे, उनको रोती हूँ कि जो थे अपने हंसाने वाले, गौर में सोते हैं पहलू के सुलाने वाले। ऐ जनाब, मैं एक साहिरे जलीलुल कद्र की बेटी हूँ, जिस दिन मेरा अग था उस दिन एक कज़ाक की कमबख्त मेरे ऊपर बहुत वक्त से फरेफ्ता था, मैं ही उसके हाथ ना आती थी, मुझे बड़ा कमीना लगता था। वो मैन मेरी शादी के दिन मेरी सुहागरात के वक्त मेरे कमरे में कूदा, मेरे शौहर को कि जिसने अभी शरबत वसल भी ना पिया था, कड़वा जाम पिलाया मर्ग का, उसे हंगामे में उसने मेरे वालिद को, चचा को, पूरे खानदान को खत्म किया, किसी तरह से मैं अपनी जान बचा कर यहाँ आई हूँ। अब मेहताब जादू एकदम और फरेफ्ता हो चुका और बिल्कुल वो भी रोने लगा, कहने लगा, तुम कोई बात नहीं, मैं तुम्हें ले चलूंगा अपने साथ, मैं अफरासियाब का मुसाहिब हूँ, तमाम तरह की सहूलियात है हमारे पास, तुम मेरे साथ चलो, पूरे सुकून के साथ रखूंगा मैं तुम। अब ये कहती है, मैं कहाँ किसके पास जाने के लायक हूँ, पैदा होते ही माँ को खा गई, शादी होते ही औरत को, मेरे शौहर को खा गई, अब तो किसी और की बर्बादी नहीं देख सकती मैं। बड़ी मिन्नतें की मेहताब जादू ने तो आखिर में इसने कहा, अच्छा लेकिन साहब तुम हो कौन, करते क्या हो, नाम क्या है, पेशा क्या है, रहते कहाँ हो, फ्लैट में या विला में, फ्लैट में तो कितने BHK का है, विला है तो कितने स्क्वायर फीट का है, कुछ तो बताओ, ऐसे कैसे चली चलूँ साथ में। जी मुझे, मैं महताब जादू अफरासियाब का मैं मुलाजिम हूँ और यहाँ से लेकर कोहे लाजवर्द के सारे साहिर मेरी इताअत करते हैं, जैसे ही साहिर सुना कहेंगे हो नो 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 नो, साहिरों के मैं से नाम से डरती हूँ, साहिर हजार हजार बरस का सिन रखते हैं, कभी औरत बन जाते हैं कभी मर्द बन जाते हैं, उनसे तो मैं ना बाज आई, जाओ भाई जाओ, मैं तो नहीं। बड़ी मिन्नतें उसके बाद महताब जादू ने कहा कि बिला वजह नाम बता दिया इसको अपना, साहिर होना बता दिया, अब ये नहीं जाने वाली तो क्या कहता है अपने आप को संभाल के कि मैं तुम्हारे सामने कसम खाता हूं कि कभी सहर ना करूंगा। ये कैसी आवाज है, इसको बंद कर दिया जाए, कुछ तो जादू है ही। कसम खाता है कि नहीं मैं तुम्हारे सामने कभी कोई सहर करूंगा ही नहीं, तुम चलो तो मेरे साथ। तो ये आई बड़ी मान मनोवल के बाद, जैसे ही कमरे के अंदर कदम रखा, एक चिड़िया गिरी और गिर के चिल्लाई, ये तो अमर यार है, और गिर के चल गई। अब ये सोचने लगा कि अमर को तो मैं बंद करा चुका हूं, कुछ खलल पड़ गया है, इधर तो उसके दिल में ये आया और उधर वो औरत चिल्लाई कि देखा नहीं शहर यहाँ भी, तुमने अभी कसम खाई थी कि शहर ना करोगे और यहाँ शहर यहाँ पे है, नहीं मैं चली करके वो भागी। फिर उसके पीछे आया, फिर बड़े मान मनव्वल पैर जोड़व्वल के बाद लेके अंदर आया, फिर जैसे ही कदम रखा फिर से ये तो हमारे यार है, फिर चिड़िया गिर गई। अब बताओ कौन आया, कौन गैर शख्स आया, तुम्हारी चिड़िया हम ही को अय्यार कह रही है, कहीं ऐसा ना हो कि मैं तुम्हें मार दूं, ठीक है तुम्हारी चिड़िया के हिसाब से तो मैं अय्यार हूं, हां तुम मुझसे दूर रहो, मैं चली। बड़े मान मनव्वल के बाद आखिर उसने एक ऐसा सहर पढ़ा कि जिससे सारी चिड़िया गिर के राख हो गई, वो जादू खत्म हो गया। फिर उसको लाकर उसने एक मसनत पर बिठा दिया, औरत बना हुआ हमारा यार मसनत पर बैठा है, सामने बर्क अमर बना हुआ,
बंधा पड़ा है। बर्फ की आंख औरत से मिली, देखा कि अब ये तो उस्ताद है, कुछ तो होने वाला है। अब इतनी देर में मेहताब जादू आया, कहता है कि बताओ क्या खिदमत की जाए तुम्हारी, क्या पियोगी क्या खाओगी, बहुत भूखी होगी। ये कहती है ना मुझे भूख है ना प्यास है, मुझे बस थोड़ी शराब की तलाश है। हाँ हाँ बिल्कुल, ए मुस्तकीम एक ले जाओ। एक मैं अरवानी यानी रेड वाइन की सुराही आई और जाम भर के उसने मेहताब जादू ने उस खातून को दिया, एक जाम खुद भी भरा। इस खातून ने कहा कि अरे तुम आप पहले आप पी लीजिए, आप साहिब खाना है। उसने कहा नहीं नहीं आप थकी हुई हैं, आपने डिमांड की आप पीजिए। उसने कहा नहीं नहीं आप इतने बड़े वो पहले आप लखनऊ का खेल चल रहा था। उतनी देर में उधर अफरासियाब को ख्याल आया कि कितनी देर पहले मैंने नामा भिजवाया था, लाओ किताब जमशेद और सामरी देखूँ कि क्या हाल है क्या खबर है। किताब जमशेद और सामरी वो किताब है जिसके हर वर्क पर दुनिया के हर इंसान का लाइफ जिंदगी चल रही है। अब वो किताब जब अमर अय्यार के पेज पर खोलता है तो क्या देखता है कि अमर दुल्हन बना हुआ बैठा है मेहताब के बगल में, आप किसी भी पल कत्ल किया चाहता है इसको। उसने फौरन दस्तक दी, पुतला फौलाद का बरामद हुआ और फौरन उसने कहा कि जाओ मेहताब जादू को कहो कि ये जो औरत है ये औरत नहीं है, अमर है, फौरन उसको कत्ल करे, गिरफ्तार करे। पुतला चला और इधर पहुंचा, जमीन थर्राई, अमर समझ गया कि आफत आई। सामने से फौलाद का पुतला निकला, फौरन अमर अय्यार उई करके चिपक गया मेहताब जादू के। मेहताब जादू, अरे कोई नहीं ये तो हमारा पुतला है, मैसेंजर समझ लो, ये इससे खतवत भेजते हैं शहनशाह मुझे। लेकिन उतनी देर में रुखसार से रुखसार जोड़कर अमर अय्यार ने मुंह में जो सफूफे बेहोशी वाला पाउडर था वो निशाना लेकर मेहताब की नाक में पूरा फूंक दिया। फौरन मेहताब जादू वहीं पे चक्कर खाकर गिर गया। पुतला चिल्लाया किया, ए मेहताब शहनशाह का हुक्म है कि ये जो औरत है वो औरत नहीं है, ये हमारा यार है, इसको गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करके ले आओ। ए मेहताब जादू, मेहताब ये हमारा यार है, औरत नहीं है, इसको गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करके ले आओ, शहनशाह का हुक्म है। मेहताब उतनी देर में अमर अय्यार ने जाले इलियासी मारा, पुतले को फौरन जाल में गिरफ्तार किया, एक तरफ बांध दिया, बर्क को रिहा किया और मौका देखते ही एक जबरदस्त तलवार मारी कि मेहताब जादू का सर फट गया। ऐसा हंगामा हॉल खेज बरामद हुआ कि बाहर के साहिर भागे भागे अंदर आए कि अंदर क्या आफत आ गई। लेकिन अंधेरा इतना कि उसी अंधेरे में अमर और बर्क ने वो नीमचे मारे कि हर अंदर आने वाले की गर्दनें उड़ गईं। इतना हंगामा हुआ कि जो बाहर बचे थे वो इस डर के मारे कि पता नहीं अंदर क्या आफत है बाहर के बाहरी भाग गए। बहुत देर तक ये हंगामा चलता रहा और आखिर में जब हंगामा खत्म हुआ तो अमर और बर्क ने पुतले को आजाद किया और अमर ने कहा, क्या बड़ा जाके बता दे अपने मालिक को कि माँ बदौलत अब किसी भी लम्हा उसे कत्ल किए चाहते हैं, चलो। वो जल्दी जल्दी भागा वहां से। अमर और बर्क ने रिहाई पाई और अगली मुठभेड़ की तलाश में निकल पड़े। इधर पुतले ने आकर अफरासियाब को अपना गिरफ्तार होना और मेहताब जादू का मारा जाना सारा बयान किया तो अफरासियाब को बड़ा गैज़ व गज़ब तारी हुआ। उसने गैज़ व गज़ब के साथ सामने चमन के एक बाग के एक चमन की तरफ बनिगाह गज़ब देखना शुरू किया। उसकी शुआए गर्मी से नज़रों की गर्मी से वो चमन धू धू करके जलने लगा, पूरा शोला बन गया। अफरासियाब खुद भी उस शोले में दाखिल हुआ और गायब हो गया। अब जो आएगा वो शोले से बाहर बात और, फिर बनेगी वहां से दास्तान कोई और। बहुत बहुत शुक्रिया। ये थी दास्तान अमर अय्यार और मेहताब जादू की, आपकी मोहब्बतों का और आपके इस लगातार आपने जो सपोर्ट किया है नीचे से बैठ के और पीछे से बैठ के हर तरफ से, बहुत बहुत मैं महजूज़ हूँ, बहुत बहुत मशकूर हूँ, मतलब थैंकफुल।
क्या है ना कि सलीके से हवाओं में जो उर्दू सलीके से फिजाओं में जो खुशबू घोल सकते हैं, अभी कुछ लोग बाकी हैं जो उर्दू बोल सकते हैं। तो ये एक छोटी सी जो नशिस्त बैठी है और ये जो रूम है, मैं बहुत अपने आप को खुशकिस्मत समझता हूँ। आपका बहुत बहुत शुक्रिया आने के लिए, और दैट्स ऑल।